पंजाब मोगा गुजरात केरला में येलो बड़ो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? होप सो सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी तरह मज़े में होंगे। तो आज की कुछ डेस्टिनी ऐसी है कि मैं आपको ले जाने वाला हूँ धनौल्टी, वो भी कहाँ से। यही तो बात है भाई, सबसे अलग रास्ता जो किसी ने नहीं देखा अभी तक। बहुत मतलब इस रास्ते से बाइकें जा सकती है, एडवेंचर वाले जो बंदे हैं वही जा सकते हैं भाई, जो नॉर्मल बंदे हैं वो नहीं जा सकते। एक्टिवा भी बहुत मुश्किल से जाती है उस रास्ते से, और कार तो बिल्कुल मत सोचिए। हाँ, अगर आपके पास 4x4 है तो तब आप सोच सकते हैं कि आप जा सकते हैं। चलिए चलते हैं और आज आपको वो रास्ता भी दिखाते हैं। तो अभी मैं हूँ मालदेवता में, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है इधर पे, और रास्ता ये है मेरे सामने जो जा रहा है। तो यहाँ से हम जाएंगे, लेकिन आगे जाके भी आप सोच रहे होंगे कि कद्दू खाल वाला रास्ता है, पर वो नहीं है। दो रास्ते हैं यहाँ से जो जाते हैं, तो दिखाता हूँ आपको कि कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं। निकल चुके हैं हम इसी रास्ते पर, और जैसे कि देख ही रहे हैं वादियाँ जो कि बहुत हसीन है अपने देहरादून से। और ये देहरादून वालों के लिए है यार वीडियो, बहुत बार सोचते रहते हैं भाई कैसे जाएं कैसे जाएं जब बर्फ़ पड़ती है। देखिए अपने पहाड़ों में पानी कैसे भरते हैं, ये दिखाता हूँ आपको असली चीज। ये जा रहा है रास्ता सीधा टिहरी कद्दूखाल, और ये वाला जा रहा है धनौल्टी के लिए। जी हाँ, तो इसी पर हम चलने वाले हैं आज। और इस रास्ते में मैं पहले भी आ चुका हूँ, और सच में यार ये रास्ता बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ है। रास्ता जो बगल में चल रहा है ना, ये PPCL वाला, वही डीगू फॉल जो कि आजकल बहुत ही फेमस है। और रास्ता तो यार सच में फुल लॉन्ग रोडिंग से भरा पड़ा है। और ठंड के छपाके जो आपको पता ही है, बहुत ही छपाक करके लग रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत आगे चलने के बाद एक ऐसा रास्ता दिखेगा और एक ये दिखेगा नीचे को, तो हमें इसमें जाना है, हमें ऊपर वाले में नहीं जाना है। तो ये ऐसा रास्ता है कुछ, ये सामने बोर्ड लगा रहेगा और नीचे दिखेगा यहाँ से गांव, तो हमें इस रास्ते में जाना है। तो ये जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक ऐसा स्पॉट आएगा, इसके बाद नीचे नहीं जाना है हमें, यहाँ से ऊपर को जाना है हमें। तो यही है रोड असली, ऊपर वाली जो धनौल्टी को जाती है। और मैं इसलिए यहाँ पर कार मना कर रहा था, छोटी कार है जो 2x2 है वो ना है तो अच्छा है, क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो, ये देखो 4x4 वाला रास्ता है बिल्कुल पूरा, और फुल ऑफ रोडिंग है यहाँ पर जैसे कि आप देख ही रहे हो। हम पहुँच चुके हैं धनौल्टी पे, और ये मिल गए हम रोड पे, अभी मेन रोड पे नहीं मिले हम ये, पर ये पक्की रोड है, अब इससे हम मिल चुके हैं जैसे कि। और बहुत सारे लोग जा रहे हैं इस रूट से, मतलब बहुतों का भी ये रास्ता पता है। ये देखिए बर्फ, ओए होए होए होए, आराम से चलेंगे बिल्कुल हम तो। सामने बर्फ़ और यहाँ पर आग तापते हुए लग रहा है, बहुत ही सुंदर। वाह यार मज़ा आ गया सच में, एक अलग ही एक्सपीरियंस फिर से। ये देखो रोड के किनारे किनारे बर्फ़, बहुत ही बढ़िया। मैं इन लड़कों को बोलूँगा कि ज़्यादा आगे ना जाएं, बाइक यहीं पर साइड पे लगाते हैं और मौज करते हैं। अब बाइक यहीं साइड पे लगाते हैं कहीं पर और मौज करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख ही रहे हैं, बहुत ही मस्त बर्फ गिरी है यार सच में। और ये जो शॉर्टकट रास्ता है ना, इसमें भाई इस बार बहुत खतरनाक बर्फ़ देखने को मिली। और प्लीज़ यार इसमें ना मतलब मस्तीबाजी नहीं, अगर आपको आना है ढंग से आओ, और लास्ट के जो 5 किलोमीटर है वही सबसे टफ है इसमें, तो इसलिए आराम से आओ। और बर्फ़ दिखाता हूँ आपको आगे भाई, और फुल बर्फ़ देख ही सकते हैं जैसे कि आप, कितनी ज़्यादा गिरी है बर्फ़ यहाँ पर, और बहुत ही प्यारे यार सब देखो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे ही छोटा छोटा एंजॉय चलता रहता है। और ये अपने साथ जितने भी आए हैं भाई लोग, और ये देखिए सामने क्या बर्फ़ है यार, वो देखिए एंजॉयमेंट फुल चल रहा है यार। अब थोड़ा यहाँ पर बर्फ़ खेलो यार, एक दो जोशन भाई के लगाओ यार बर्फ। ओ लो भाई थोड़ा बर्फ के भी मौज दिखा देते हैं। ये देखिए, ओए होए होए होए, फिर बर्फ के मजे ले रहे हैं। मैं भी मार ही लेता हूँ थोड़ा इसी। देखिए ओए होए, मजा आ गए। ओए होए, अब देखो ये हिलाएंगे थोड़ा, हिलाओ 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 हिलाओ।
देखो बर्फ गिर रही है, वाह वाह वाह, मजा ही आ गया यार सच में। और बहुत ही सॉफ्ट है ये, देखियो ये बहुत ही सॉफ्ट है बर्फ, अभी जो है बहुत ही सॉफ्ट है ये भाई लोग। और ये देखिए ये पुल, दूर देश से आते हुए महाराष्ट्र पंजाब मोगा गुजरात, और ये केरला में येल्लो बड़ो देखिए देखिए ये आगे भाई लोग हमारे श्रीलंका से, और ये हमारे दो भाई लोग एक श्रीलंका से लतीश मलिंगा के गांव से, ये देखिए खतरनाक। अब इसमें फिसलन है वैसे, लेकिन अभी हमारे चलने के लिए तो ठीक है। और ये देखिए जितना भी दिखाओ कम है आज के लिए। देख रहे हैं आप कितने मजे ले रहे हैं हम बर्फ के, फुल बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। क्या कहना चाहते हो आप? बहुत ही शानदार नजारे यहाँ पे, और जो कि सारे बालक खुश हो रखे हैं यहाँ। ये देखिए बालक बिल्कुल मुंह नहीं धुला, कुछ नहीं धुला, जब इन्होंने सुना कि बर्फ देखने जाना है तो सीधे रजाई के अंदर से सीधे बाइक पे बैठ के, और बस। और अब ये कह रहे हैं कि परांठे लाओ परांठे लाओ, अब इन्हें भूख लगती है तो अब हम परांठे खाने भी जाएंगे आगे। इन्होंने कुछ बनाया है, अब उस पर अनुसंधान करते हुए ये कि ये मतलब इसमें सांस कहाँ से आएगी इसकी, ये देखिए जरा इस तरफ ले जाइए, बहुत ही शानदार क्रिएचर, बहुत ही मस्त कलाकारी। भी यहाँ पर जरा खेलने वाले हैं बर्फ से, चलिए जरा जाइए। सानी 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 ऐसे टांग खोल लगी आजकल, कोई दिक्कत नहीं। ओहो ये तो भाई एकदम खतरनाक हो चुका है बर्फ में। अब हो गया, चलो हाँ भैया ना, बर्फ भी खर्च कर दी काम काम। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ, मतलब घर की तरफ, और रास्ते में देखते हैं कुछ खाते हैं। जेब में बर्फ भर चुके हैं अपनी, ये देखिए। अब पहुंचने वाले हैं हम घर, यहाँ से उतर ही गए हैं, थोड़ा सा ही रास्ता है, और बहुत ही मस्त जर्नी थी यार, और बहुत मतलब नज़दीक है यहाँ से वैसे, और एडवेंचर भरा रास्ता है पूरा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी आएँ और इस रास्ते के मज़े लें। तो चलते हैं फिर, और अगली बार मिलते हैं, बाय।